So, students of class 12th, the topic is electric field due to an electric dipole. The first case is end on position or on the axis of a dipole. ये क्या होता है? ये एक electric dipole है. This is an electric dipole AB made up of the two charges minus Q and plus Q. Minus Q is situated at point A, plus Q is situated at point B. Okay, at the distance between these two charges is 2L. O is the midpoint. O is का मध्य बिंदु है, बीच का. ओके पॉइंट है. तो ये एल लेंथ हो गई, यहां से यहां तक ये एल लेंथ हो गई. एंड ऑन पोजीशन का मतलब होता है कि मैंने यहां एक डॉटेड लाइन लगा करके इसी के एक्सेस इसी की लाइन पर एंड ऑन पोजीशन पे एक सी पॉइंट ले लिया जिसका कि ओ से डिस्टेंस कितना है, आर है. ओके द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट ओ इज आर. तो अब यहां से ए पॉइंट से सी का डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए. यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक एल, सो दिस विल बिकम आर प्लस एल. यहां से बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एल, क्योंकि ये आर है, ये एल माइनस कर देंगे तो आर माइनस एल आ जाएगा. क्योंकि ये पॉइंट बी पॉइंट सी के बहुत क्लोज है, द पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट सी, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट सी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईवन, दिस इज द ईवन in outward direction, and due to minus q it is attractive in nature. Yahan test charge agar plus q hai, plus q not hai, to ye attract karega isko, to ye electric field ki intensity kidhar hogi, e to inside hogi, kyunki ye point bahut close hai c ke aur iske karan e1 hai, to e1 ki jo intensity hogi greater hogi kisse, e2 se. Clear? To e1 will be greater than e2. Aur baat samajh lijiye. अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इवन है. तो ये देखिए, ये नोट्स नोट कीजिएगा. इवन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना बच्चों, आर माइनस एल का होल स्क्वायर. और ई टू इसके कारण कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर प्लस एल का होल स्क्वायर. सिंस इवन इज ग्रेटर देन ई टू, क्योंकि इवन ई टू से बड़ा है, तो जो रिजल्टिंग फील्ड होनी चाहिए यह है इवन इज ग्रेटर देन ई टू. मान लेते हैं रिजल्टिंग फील्ड ई है पॉइंट सी पर, तो ई इज इक्वल टू इवन माइनस ई टू. ये इवन की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया जो मैंने कैलकुलेट किया था, और ये ई टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, कॉमन निकाला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू को, ये हो गया 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस होल स्क्वायर. नाउ टेक द एलसीएम, ये एलसीएम आ गया, डिवाइड किया यहां ये आया R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इससे इसको डिवाइड किया है R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया माइनस से ओपन किया, ये कट गया प्लस माइनस, ये कैंसिलेड आउट हुआ, बचा 4 आर एल. क्या बचा? 4 आर एल. 4 आर एल को मैंने कैसे ब्रेक किया, 2L इंटू 2R, तो 4 आर एल होता है ना. यहाँ Q है, Q इंटू 2L आप जानते हैं क्या होता है, अभी पढ़ाया था मैंने, डायपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट होता है, Q इंटू 2L इज इक्वल टू P. तो अगले स्टेप में Q इंटू 12 की जगह मैंने क्या कर दिया, सीधे P लिख दिया इस फॉर्मूले से, इसकी जगह इसने ले ली और ये 2R आ गया बच्चों, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है. अब आइए, सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 12, अगर R बहुत बहुत बड़ा है 12 से, तो L की वैल्यू क्या होगी, L स्क्वायर विल बी निग्लेक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, यानी L स्क्वायर को हम निग्लेक्ट कर देंगे और मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा. देखिए पेज नंबर 3 पर, E upon 1 upon 4 pi, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P into 2R, क्योंकि L square neglect हो चुका है, overall whole square था, तो R की power 4 हो जाएगा, R से R 4 की power 4 cancel out किया, R cube आया, तो मेरा final result बन गया, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into 2P upon R cube, okay? और in vector form, आप E पर electric field एक intensity vector quantity है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन दिखा दीजिए, ये आपका आ गया वेक्टर फॉर्म. थैंक यू.